Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is characteristics of sound, and it will be the lecture number 13 of this chapter sound. आज हम characteristics of sound के बारे में discuss करेंगे और इसका दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं कि properties of sound. ठीक है, properties of sound क्या है या characteristics of sound क्या है, one or the same thing. यानी ये दोनों एक ही बात है, characteristics of sound या properties of sound एक ही बात है. तो स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. वन इज लाउडनेस, सेकंड इज पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी. ठीक है, एक क्या है लाउडनेस, सेकंड इज पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी. अब हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड. लाउडनेस क्या है? ये मेजर है साउंड एनर्जी की जो हमारे कान तक एक सेकेंड में पहुंचती है. ठीक है, ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर इयर्स पर सेकेंड, मोर लाउड द साउंड विल अपीयर टू बी. अगर ज्यादा एनर्जी पर सेकेंड में हमारे कान तक पहुंचेगी तो उसका मतलब है कि वो साउंड ग्रेटर द साउंड लाउड, मोर लाउड द साउंड विल अपीयर टू बी. ठीक है, वो साउंड हमें ऊंचा फील हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा जरा स्टूडेंट्स ये पेन दीजिए. ठीक, तो ये इसका वो लाउडनेस आपने फील किया कितना है. अब मैं ऐसे बोलूं, ए स्टूडेंट जरा ये पेन दीजिए इधर. अब मैंने क्या यानी लाउडनेस मैंने इंक्रीज किया, एनर्जी इंक्रीज हुई, तो ज्यादा एनर्जी आप तक पहुंचेगी ना. ये जब जो मैंने दूसरी बार जो मैंने आपको बोला कि ये पेन इधर दीजिए, इसका मतलब है कि इट दिस साउंड विल अपीयर टू यू मोर लाउडली. ठीक है, तो ये लाउडनेस क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर पर सेकेंड. ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर्स पर सेकेंड, मोर लाउड द साउंड विल अपीयर टू बी. अगर ज्यादा एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचेगी तो उसका मतलब है कि द साउंड विल अपीयर टू अस मोर लाउड. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स. ये जो लाउडनेस है साउंड की, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे. एम्पलीट्यूड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो हमने सारा डिस्कस किया है. वो ये एम्पलीट्यूड के बारे में भी मैं जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिस्कस किए हैं, तो आज हमें क्या यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करते किस पे? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पे. द मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव, अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, हाई होगा, द लाउडर इज द साउंड एंड वाइस वर्सा, तो साउंड लाउडर होगा. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कम तो साउंड विल अपीयर टू बी लेस लाउडर. यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने दो फिगर्स यहाँ पे बनाए. ये देखिए, ये भी साउंड वेव है, साउंड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से यहाँ ऊपर जो क्रस्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये कम है, दैट मीन्स ये एम्पलीट्यूड है, ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है. अब एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब है कि फैंट साउंड, ठीक है, ये साउंड ज्यादा जोर से हमें दिखाई नहीं सुनाई नहीं देगा. अब ये देखिए यहाँ पे कितना एम्पलीट्यूड है, यहाँ इसके कंपेरिजन में ज्यादा एम्पलीट्यूड है, तो लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड विल अपियर. ठीक है, स्मॉल एम्पलीट्यूड फैंट साउंड विल अपियर एंड लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड विल अपियर. यहाँ एम्पलीट्यूड कम, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा, यहाँ फैंट साउंड सॉफ्ट साउंड, यहाँ लाउड साउंड. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करता है. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल, इट इज डिनोटेड बाय डीबी. तो स्टूडेंट्स, ये जो लाउडनेस है ये हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में. ठीक है, इसका जो यूनिट है वो डेसिबल लेते हैं, और डेसिबल को हम डिनोट करते हैं डीबी से, स्मॉल डी और कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल बी, ये डेसिबल का यूनिट यानी डेसिबल की ये जो सिंबल है ये हम इसको डिनोट करते हैं डीबी से. द लाउडनेस ऑफ साउंड इन ए वेरी नॉइजी फैक्ट्री इज अबाउट 100 dB. तो स्टूडेंट्स, अगर एक नॉइजी फैक्ट्री होगी, नॉइजी ये इंडस्ट्री होगी, तो वहां पर अबाउट साउंड की जो लाउडनेस होती है वो तकरीबन 100 dB होता है. और एंड द साउंड ऑफ ए जेट एयरक्राफ्ट 50 meters अवे इज सेड टू हैव ए लाउडनेस ऑफ अबाउट 130 dB. तो ये जो जो जेट एयरक्राफ्ट जो होता है, अगर वो हमसे 50 meter भी दूर हो, तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो तकरीबन 130 decibel होती है. नाउ सेकेंड जो है ये है पिच.
क्या है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, पिच ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, जिससे हमें पता चलता है कि अगर सेम साउंड हो, अगर लाउडनेस साउंड की सेम हो, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये साउंड ये किस टाइप ऑफ साउंड की, ये किस की साउंड है। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी को कॉल करते हैं, तो अगर वहां से किसी फीमेल ने उठाई, तो हमें पता चलता है कि दिस साउंड इज द साउंड ऑफ फीमेल, यानी हमें पता चलता है कि वहां से किसी फीमेल ने पिकअप फोन किया। अगर हम कॉल करेंगे, तो अगर हम वहां से किसी मेल ने किसी किसी मैन ने वहां पे क्या फोन पिकअप किया, तो हमें पता चलता है कि वहां किसकी आवाज है, वहां मेल की आवाज है, वहां किसी मैन ने वहां पे फोन पिकअप किया। तो इसी को इस कैरेक्टरिस्टिक को पिच कहते हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इससे डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। तो फॉर एग्जांपल कोई बाहर है, हम इस वक्त क्लासरूम में है, कोई बाहर है, उसे वहां से चिल्लाया, तो हमें पता चलता है कि ये मेल की आवाज है या फीमेल की आवाज है, ये किसी बच्ची की आवाज है या किसी बच्चे की आवाज है, ये यानी मेल स्टूडेंट की आवाज है या फीमेल स्टूडेंट की आवाज है, तो हमें पता चलता है। तो इसी को पिच कहते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स। डिफरेंट साउंड्स भी अगर हो, तो इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑफ द सेम लाउडनेस, अगर ये क्या सेम लाउडनेस भी इनकी हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाहर से चिल्लाया, हमें पता चलता है कि ये इमारत की आवाज है या ये किसी औरत की आवाज है, तो इसी को पिच कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या साउंड का क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाई वर्च्यू ऑफ विच आवर ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डीप साउंड एंड द शार्प साउंड। तो स्टूडेंट ये इसको हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है साउंड की, जिससे हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश कर सकता है कि डीप साउंड है या शार्प साउंड है। फॉर एग्जाम्पल मेल की आवाज है या फीमेल की आवाज है, उनकी जो ये जो पिच होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो फीमेल्स होते हैं, उनकी साउंड में, उनकी उनकी वॉइस में हाई पिच होता है, और जो ये होता है उनकी आवाज हाई पिच कहलाती है। ठीक है, तो अगर मेल की आवाज हो, मेल की वॉइस जो हो, तो वो लो पिच कहलाता है। तो मैं आपको यहां से फिर से दिखाना चाहता हूँ, द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये जो पिच होता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। ये पिच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड का है, ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे। पिच ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच डायरेक्टली प्रपोर्शन है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो साउंड इज सेड टू हैव हाई पिच। अगर फ्रीक्वेंसी कम, दैट मीन्स वाइब्रेशन इज कम, तो साउंड विल बी सेड एज साउंड इज सेड टू हैव लो पिच। तो यहाँ पे देखिएगा आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये दो फिगर्स बनाए, ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन कम है, ये लो पिच साउंड कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारी वाइब्रेशन है, यहाँ ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ हाई पिच ये साउंड कहलाएगा। पिच इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। मोर द फ्रीक्वेंसी, हाई द साउंड इज सेड टू बी, हाई पिच द साउंड इज सेड टू बी। अगर फ्रीक्वेंसी कम, लो पिच द साउंड इज सेड टू बी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम, पिच इज लो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने ये आप देखिएगा यहाँ पे कि मैनस वॉइस, ठीक है, एंड वुमेन्स वॉइस डिफर इन पिच। जो मैन की, जो भी मैंने आपको बोला, एक मर्द की आवाज और एक औरत की आवाज, ये डिफर होते हैं किसमें, पिच में। ठीक है, इनके जो पिच होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं साउंड के। मैनस वॉइस इज फ्लैट हैविंग ए लो पिच। जो मैन की आवाज होती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फ्लैट होती है, दैट मीन्स लो पिच साउंड ये होता है। और वुमेन इज वॉइस जो होती है श्रिल
और हाई पिच होती है, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल्स में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ने वाइब्रेट तेज फास्ट से करते हैं, वो बहुत यानी वाइब्रेशन यानी वो वाइब्रेट करते हैं बहुत तेज से, दे वाइब्रेट वेरी फास्टली, तो सो मोर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उनका साउंड क्या हाई पिच साउंड कहलाता है, देयर वॉइस अपीयर्स टू बी हाई पिच और एंड इट अपीयर्स टू बी श्रिल, ठीक है, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज नोन एज पिच, इसको भी हम कहते हैं श्रिलनेस ऑफ साउंड इज नोन एज पिच, और जो मैन का इन मर्द के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं थ्रॉट में वो क्या होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसीलिए मैनस वॉइस क्या अपीयर होती हैं लो पिच, ठीक है। क्वालिटी या जिसको हम टिम्बर भी कहते हैं ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, लेट अस डिस्कस दिस, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड एज टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, तो स्टूडेंट्स ये भी ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का कि जिसको हम टिम्बर या क्वालिटी कहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं इस प्रॉपर्टी से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर दो साउंड्स हो अगर उनके सेम पिच हो और लाउडनेस भी सेम हो, इस प्रॉपर्टी के जरिए हम वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसको क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेव फॉर्म, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है बिकॉज वे चेंज इन वेव फॉर्म, तो मैं आपको चेंज इन वेव फॉर्म दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे वेव फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है ये, ठीक, बहुत जिगजैग फॉर्म है ये वेव फॉर्म है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी जिगजैग है लेकिन इससे कम है, अब यही टिम्बर कहलाता है क्योंकि टिम्बर प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेव फॉर्म, यानी वेव फॉर्म की जो चेंज होती है उसी से ये क्वालिटी या टिम्बर प्रोड्यूस होती है, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पर ये एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, इसको हम फ्लूट कहते हैं, और ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको वायलिन कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये साउंड वेव की जो फॉर्म है, ठीक है, ये डायरेक्शन देखिए कैसी है, और यहाँ पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये इसकी वेव फॉर्म कैसी है, तो इस प्रॉपर्टी को जब हम यानी डिफ्रेंशिएट इससे भी करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट की ये साउंड है, तो इससे हमें इसको हम क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं। क्वालिटी और टिम्बर में फिर से आपको ये दूसरी डेफिनेशन के जरिए समझाऊंगा, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड में आल्सो बी डिफाइंड एज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट सिंगर्स, तो डिफरेंट सिंगर्स हो या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो इनकी आवाज भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज क्वालिटी और टिम्बर, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर है मोहम्मद रफीक, ठीक है, तो उसकी उसकी जो साउंड है उसकी जो नहीं जो वो वॉइस प्रोड्यूस करता है या और कोई सिंगर हो, हम इनकी क्वालिटी को देखकर इनकी जो यानी जो साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द यानी बाय यूजिंग क्वालिटी, तो इसे हमें पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सिंगर्स है, एक है मोहम्मद रफीक और कोई दूसरा है फॉर एग्जाम्पल दूसरा सिंगर ये फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कोई सिंगर ए, ठीक है, एक हम इसको नाम देंगे, ठीक है, अब इन दो सिंगर्स की वॉइस ये डिफरेंट होती है, ये अगर इनका लाउडनेस या पिच सेम भी होगा लेकिन क्वालिटी इनको डिफरेंट हो, इनकी क्वालिटी ऑफ साउंड वो डिफरेंट होगी, इनकी जो टिम्बर ऑफ साउंड वो डिफरेंट होगी, ये क्वालिटी ऑफ टिम्बर या ये क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड कहलाता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर कोई भी इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। डियर स्टूडेंट स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।